क्या है दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो बनाऊंगी वो है ककोरा की सब्जी और थोड़े बहुत जो काम मेरे हुए हैं। और तो ककोरा की सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं और आप लोग जानते होंगे ककोरा क्या होते हैं, तो वही सब्ज़ी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। तो चलते हैं फिर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो तेल गरम हो गया था उसमें जीरा वगैरह डाल दिया और यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ ये हरी मिर्ची और जो प्याज है वो जीरा भुनने के बाद। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी बस ये प्याज वगैरह का पूरा जो मसाला मैंने काट के रखा हुआ है और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मैं ककोरा की सब्ज़ी में प्याज मिर्ची वगैरह ज़रूर डालती हूँ, मुझे प्याज मिर्ची मतलब प्याज के बिना स्वाद नहीं आता है सब्ज़ी में। तो बस इनको मैं पहले अच्छे से भुनने दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और हरी मिर्ची का इसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लाल मिर्ची का कम, ये इसमें जितना ये मतलब इसको जितना हरी मिर्ची में बनाए उतना अच्छा रहता है। तो बस इसको भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, आप लोग भी देखिए ये भुनना है। लगभग प्याज मिर्ची भुन चुकी है, अब इसमें मैं अब डालूँगी आगे टमाटर, और टमाटर भी इसमें भुनने के लिए रख दूँगी। और टमाटर जब भुन जाएगा तब इसमें हम आगे के अपने मसाले डालेंगे। तो हम लोग को बस इतना अभी मतलब मैं टमाटर भी डालती हूँ, आप लोग का मुझे पता नहीं आप लोग डालते नहीं डालते, लेकिन एक बार टमाटर डालकर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर टमाटर को भी मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे टमाटर भी और देखिए यहाँ पे टमाटर भी भुन चुके हैं, अब ये मिलूँगी ककोरा और ककोरा भी इसमें डालना स्टार्ट कर दूँगी मैं। बस ककोरा डालना है इसमें, और आप मतलब इसमें सब्ज़ी में अगर चाहें तो आप है ना चाहे मूंग दाल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे चने की दाल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर मूंग दाल का यूज़ करती हूँ। और आप लोग कौन सी दाल का यूज़ करते हो आप लोग वो भी बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर मैं ककोरा मैंने डाल दिए हैं, अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और हाँ, नमक आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और इधर एक तरफ मैंने अपने लिए मतलब ककोरा में डालने के लिए दाल निकाल ली है, तो मैं मूंग की दाल का यूज़ करती हूँ। और मूंग की दाल मैंने निकाल ली है, जितनी मुझे सब्ज़ी के अकॉर्डिंग आप भी निकाल सकते हैं जितनी आपकी सब्ज़ी हो। और उधर ककोरा भी देखिए मैं मिक्स कर चुकी हूँ, तो बस अब यहाँ पर मैं दाल को जो निकाली थी उसको धो लूँगी। दाल को मतलब मैं थोड़ा ही लिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा ककोरा भी दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए दाल भी अच्छे तरीके से वॉश हो चुकी है। अब ये धुली दाल को हम लोग सब्ज़ी में डाल देंगे, और इसे मैं नीचे ही रखती हूँ जिससे ये थोड़ा दाल अच्छे से पक जाए इसमें। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब ढककर रख देंगे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ककोरा की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर ये सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब इसे हम लोग ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी ककोरा की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, इसको खा कर तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बताना आपको कैसी लगती है सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने स्कूल की कुछ कॉपियाँ चेक, क्योंकि दो बच्चे तीन बच्चे थे जिनकी कॉपियाँ स्कूल में चेक करने के लिए रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ना मैं घर पर ही इनको चेक कर लूँगी। तो बस अब इनको यहाँ पे कॉपी चेक कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना,
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो प्लीज़ कमेंट कर भी बताएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।